जनहित में जारी। या रहे, यहीं से आप ताल्लुक रखते हैं, तो उस युवा शक्ति को आगे ले जाना है, इस दिशा में कुछ करना है, ये थॉट कैसे आया आपको और क्या इनिशिएटिव्स आपने लिए इसके लिए? जब मैं सोचती हूँ कि कोई भी लड़की जब मिस इंडिया बनती है तो आपने देखा होगा कि सबसे पहले जो क्वेश्चन आंसर राउंड होता है, तो जब वो क्वेश्चन किया जाता है कि अगर आप मिस इंडिया बन जाएंगी तो आप समाज के लिए क्या करेंगी, तो एक बहुत मैं सोचती हूँ विनिंग आंसर्स होते हैं कि अगर मैं मिस इंडिया बन जाऊंगी तो मैं समाज के लिए ये करना चाहती हूँ, मैं अपने देश के लिए ये करना चाहती हूँ, युवाओं के लिए कुछ करना चाहती हूँ। और मुझे नहीं मालूम कि आगे वो कैसे परस्यू होता है, लेकिन मुझे लगता है कि जो फेमिना मिस इंडिया में मिस इंडिया का जो खिताब मुझे मिला उसके बाद ये मेरी जिम्मेदारी बनती थी। एक ये ऐसा एहसास है कि मिस इंडिया का जो असली काम होता है, जब हम कहते हैं, मैंने जब कहा कि मैं समाज के लिए कुछ करना चाहती हूँ तो आज मैं अपने समाज के लिए, अपने युवाओं के लिए, अपने उत्तराखंड के लिए कुछ कर रही हूँ, तो यही एक मोटिवेशन है जो मुझे इस काम को करने के लिए प्रेरित करता है। तो क्या ये सब कुछ सिर्फ मिस इंडिया के प्लेटफॉर्म से शुरू हुआ या आप एक राज पॉलिटिकल घराने से भी ताल्लुक रखती हैं, राजनीतिक घराने से ताल्लुक रखती हैं, उसका भी इसमें कोई रोल था? जी बिल्कुल था, और इसके लिए मैं आज आपके मन से भी कहना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे ससुर जी आज प्रदेश के अंदर कैबिनेट मिनिस्टर हैं और मेरे लिए वो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। जो भी मैं आज समाज के अंदर कर रही हूँ, मैं सोचती हूँ उन्हीं की प्रेरणा है। जब मैं हज़ारों लोगों को अपने घर में आते देखती हूँ और उस संतुष्टि के साथ जब वो मेरे घर से बाहर निकलते हैं, और पापा को मैं रोज़ सुबह जब देखती हूँ कि किस तरीके से वो समाज में अपना योगदान दे रहे हैं, उत्तराखंड के लिए अपना योगदान दे रहे हैं, तो मैं सोचती हूँ कि उनकी बेटी, उनकी बहू होने के नाते ये मेरा भी कर्तव्य है कि मैं अपने उत्तराखंड के लिए कुछ करूँ। और उन्हीं के मोटिवेशन से मैं सोचती हूँ, उन्हीं की ये जो मोटिवेशन है मेरे लिए, आज मैं अपने उत्तराखंड में योगदान दे पा रही हूँ। ब्यूटी पेजेंट्स के प्लेटफॉर्म या इस तरह के प्लेटफॉर्म से जनरली निकलने के बाद जो लोगों का एक व्यू होता है वो ये कि ज़्यादातर लड़कियां या तो किसी इंडस्ट्री से शादी कर लेती हैं, कंफर्ट जोन में आ जाती हैं कि चलो आई एम सॉर्टेड नाउ, बट आप अभी भी इनिशिएटिव ले रही हैं, आपने उस कम्फर्ट जोन को तोड़ा है, आप खुद कुछ करना चाहती हैं, क्या प्रयास अभी तक आपने किए हैं इसके लिए? देखिए, जब मैं उत्तराखंड की बात कर रही हूँ और उत्तराखंड की महिलाओं की बात कर रही हूँ, उत्तराखंड की बेटी की बात कर रही हूँ, तो उत्तराखंड की जो बेटियाँ हैं वो बहुत यूनिक होती हैं। उनका जो आत्मबल है, उनकी जो प्रतिभाएं हैं वो शानदार होती हैं। और मैं उत्तराखंड में भी पहाड़ से आई हुई बेटी हूँ, पहाड़ की बेटी हूँ, बहू तो भी हूँ, पहाड़ की बेटी भी हूँ, पहाड़ की बहू भी हूँ, हमारे पहाड़ में बेटी बहू एक जैसा होता है। तो मैं सोचती हूँ कि वो आत्मबल, वो आत्मविश्वास मेरे अंदर है कि मैं जब खुद के लिए जो मैंने किया, आज मैं अपनी बहनों के लिए कुछ करना चाहती हूँ। उत्तराखंड की जो मेरी बहनों का दर्द है, जो पहाड़ की महिलाओं का दर्द है, वो मेरे अंदर हमेशा मुझे चुभता रहा है। और आज मैं सोचती हूँ, जब उनकी बेटी, ये सिर्फ आज मैं एक राजनीतिक परिवार की बेटी नहीं हूँ बल्कि मैं अपने पहाड़ों की भी बेटी हूँ, और मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं अपने पहाड़ की हर उस बहन को, हर उस महिला को जो वो डिज़र्व करती है, वो प्लेटफॉर्म उसको दे पाऊँ। क्योंकि अगर आज आप किसी लायक हैं तो सबसे पहले आदमी अपने घर के लिए सोचता है। और मैं सोचती हूँ, अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब मैंने भारत का प्रतिनिधित्व किया या उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किया, तो हमेशा लोग मुझे पूछते थे कि कहाँ से आती है, तो मैं बहुत गर्व से कहती थी कि उत्तराखंड की बेटी हूँ, उत्तराखंड के पहाड़ों से आती हूँ। तो आज कुछ ये समय है कि मैं उत्तराखंड को कुछ वापस दे पाऊँ, इसी मैं कहती हूँ, इसी वर्ग में ये काम मैं आगे बढ़ा रही हूँ। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कैबिनेट मिनिस्टर हरक सिंह रावत जी की बहू हैं अनुकृति, और बहुत सारे इनिशिएटिव्स इन्होंने लिए हैं। जब आपने सोचा कि अब समाज सेवा शुरू करनी है, तो कौन सा क्षेत्र सबसे पहले जहन में आया और आपने इसको क्यों चुना? देखिए, जब मैंने सोचा कि अब मैं अपने समाज के लिए, अपनी सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहती हूँ, और क्योंकि मैं उत्तराखंड से हूँ, आज हम उत्तराखंड के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि उत्तराखंड जो प्रदेश है उसकी जो रीढ़ की हड्डियाँ हैं वो यहाँ की महिलाएँ हैं। अगर मैं उत्तराखंड आंदोलन की बात करूं या चिपको आंदोलन की बात करूं, अगर हम उस हिस्ट्री को देखते हैं, तो हमारी महिलाओं ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो योगदान दिया है, उसका ऋणी उत्तराखंड हमेशा रहेगा। और आज समय आ गया है 20-21 साल के बाद कि जब उन बहनों को, उन महिलाओं को, उनको आर्थिक रूप से मजबूती की आवश्यकता है, आज उनको स्वरोजगार की आवश्यकता है, उनकी उनकी प्रतिभाओं को बाहर लाने की आवश्यकता है। तो पहला थॉट मेरा ये था कि अगर मैं अपने प्रदेश को आगे लेके जाना चाहती हूँ, अगर मैं उत्तराखंड को भारत के सर्वश्रेष्ठ राज्यों में से एक देखना चाहती हूँ, तो पहले मुझे उत्तराखंड की रीढ़ की हड्डी को मजबूत करना है। और उत्तराखंड की रीढ़ की हड्डियाँ हमारी बहनें हैं, हमारी महिलाएं हैं, क्योंकि जब मैं एक बहन को, एक महिला को आत्मनिर्भर बनाती हूँ, तो सिर्फ उस बहन को नहीं बनाती, उस महिला को नहीं बनाती, बल्कि वो महिला पूरे अपने परिवार को, अपने समाज को और एक दिन अपने राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाती है। तो इसी थॉट के साथ मैंने शुरुआत की, और मुझे खुशी है कि आज पूरे प्रदेश के अंदर 10,000 से ज़्यादा महिलाएँ मेरी इस मुहिम का हिस्सा हैं।
टेक्नोलॉजी से कैसे जोड़ा है आपने? कई बार होता है बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स होते हैं लेकिन वो एक पर्टिकुलर रीजन में होकर रह जाते हैं, टेक्नोलॉजी या डिजिटल प्लेटफॉर्म हमें एक ग्लोबल मंच दे देते हैं, तो क्या इस दिशा में भी आपने काम किया है? जी बिल्कुल, क्योंकि मैं फॉर्चुनेटली कहूँ, मैं खुद क्योंकि प्रोफेशन से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, टेक्नोलॉजी से मेरा खुद का संबंध है और मैं समझती हूँ कि आज पूरी दुनिया टेक्नोलॉजी को लेकर कहाँ बढ़ रही है। और जब हमने 2018 में अपनी संस्था की शुरुआत करी, रेजुनुवेशन किया बेसिकली, तो जो काम हमारे उत्तराखंड के अंदर हमारी बहनें जो छोटे छोटे स्वयं सहायता समूह होते हैं, जो हमारे यहाँ प्रशिक्षण उन्होंने लिया, तो कौशल विकास में हमने बहुत काम किया। हमारा जो ट्रेडिशनल आर्ट, हमारा जो ट्रेडिशनल कल्चर है, मैं कहूँ उत्तराखंड का जो ऑर्गेनिक प्रोड्यूस है, उत्तराखंड का ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट है, उसको लेकर हमने बहुत काम किया। क्योंकि ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि जो चीज़ वो सालों से हमारी बहनें बना रही हैं, हमारे लोग बना रहे हैं, उसी चीज़ को मॉडिफाई करके, उसी चीज़ को और बेहतर बना के हमने एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म उनके लिए तैयार किया। और आज एक येलो हिल्स करके एक प्लेटफॉर्म भी मैंने अपनी संस्था, अपनी एनजीओ के माध्यम से तैयार किया है, जिसमें उत्तराखंड के जो ऑर्गेनिक प्रोड्यूस है, अगर कोई उत्तराखंड आता है और कोई सुविनियर उत्तराखंड से लेके जाना चाहता है, तो मैं चाहती हूँ कि उत्तराखंड को लोग सिर्फ अपनी मेमोरीज में ही नहीं याद रखें बल्कि जो प्रोडक्ट उत्तराखंड से लेके जाएँ वो उसे वैसे भी याद रखें। और आज हमने बहुत सारे युवाओं को उसके लिए प्रेरित किया है उत्तराखंड में, क्योंकि जब पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लोग कहते हैं कि बहुत लोग पलायन कर रहे हैं, युवाओं के लिए अपॉर्चुनिटीज नहीं है। एब्सोल्युटली, तो मैं सोच है तो फिर प्लेटफॉर्म्स नहीं है। जी बिल्कुल, तो उस प्लेटफॉर्म को मैंने क्रिएट करने की कोशिश की है, क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ एक ही चीज़ में कि अगर कोई चीज़ आपने कह दी तो उसको प्रैक्टिकल ज़मीन पे उतारना ज़रूरी है। अगर मैं कहूँ कि मैं महिलाओं के लिए कुछ अच्छा करना चाहती हूँ, सशक्तिकरण करना चाहती हूँ, तो मेरे हिसाब से सशक्तिकरण जब है जब वो महिला अपने आप को आर्थिक रूप से इंडिपेंडेंट फील करती है। वो युवा अगर अपने घर में दो रोटी ला पाता है तो तब हम युवाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। तो उसी सोच के साथ मैंने स्वरोजगार को अपना मुद्दा बनाकर आगे बढ़ाया। श्रीकांत श्री भी हमारे साथ हैं, मशहूर शायर हैं। श्रीकांत जी, आप भी युवा हैं, उन्होंने तो महिलाओं के मुद्दों को आगे बढ़ाया, बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव उनको डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा, तो आप कोई शायरी सुनाना चाहेंगे? आपने अपने फन के माध्यम से कहाँ कहाँ युवाओं की बात रखी है और किस अंदाज में रखी है, हमारे दर्शक सुनना चाहेंगे। बिल्कुल, धन्यवाद। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा एबीपी गंगा चैनल को कि जिन्होंने महाधिवेशन देहरादून में करना निश्चय किया। और चूंकि मैं उत्तराखंड से हूँ, देहरादून से हूँ, तो यहीं से बात शुरुआत करना चाहूँगा। बिल्कुल, क्या है उत्तराखंड, क्यों एबीपी गंगा ने उत्तराखंड के देहरादून का चयन किया? कि जहाँ की औषधि ने त्रेता में लखंड के प्राण बचाए और द्वापर में सिंहासन तज यहीं पे पांडव आए, इसी धरा पर भागीरथ ने कठिन तपस्या की थी और सगर पुत्रों की सारी सरल समस्या की थी। ऋषियों मुनियों ज्ञानी धुनियों ने जहां पाया ज्ञान, उत्तराखंड महान हमारा हिंदुस्तान महान, उत्तराखंड महान हमारा हिंदुस्तान महान। और कैसा है उत्तराखंड, क्यों एबीपी चैनल को गंगा नाम रखने की आवश्यकता पड़ी, बताता हूं। बिल्कुल, के प्राकृतिक सौंदर्य यहाँ का अनुपम और निराला। अभी देसाई जी ने कहा मैं पहाड़ की बेटी हूं, पहाड़ की बहू हूं, मैं वहीं की बात करता हूं। के प्राकृतिक सौंदर्य यहाँ का अनुपम और निराला, बद्री और केदारनाथ ने यहीं पे डेरा डाला, चारों तीर्थ धाम यही है यहीं से निकली गंगा, चारों तीर्थ धाम यही है यहीं से निकली गंगा, हरिद्वार के दर्शन कर तू कर ले मन को चंगा, अनेकता में एक मंत्र का यहीं पे गुंजे गान, उत्तराखंड महान हमारा हिंदुस्तान महान। हम इसलिए पवित्र भूमि पर बैठे हैं, इसलिए अपने आप पर भी आप गर्व करिए। और बिल्कुल, ये सिलसिला टूटना नहीं चाहिए। गंगा की आपने बात की, चार धाम और केदारनाथ की बात ना हो तो कैसे होगा? सॉरी, गंगा की आपने बात की तो शिव की बात ना हो ऐसा कैसे हो सकता है? चार धाम केदारनाथ पर भी कुछ होता है। जी बिल्कुल, शंकर भगवान का ये मौसम है, श्रावण का महीना चल रहा है, मैंने आज सुबह ही भगवान शंकर पर एक गीत लिखा है बिल्कुल नया, और ये आपको किसी चैनल्स पे नहीं मिलेगा, कहीं यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, मेरे पेज पे नहीं मिलेगा, क्योंकि जिसे कहते हैं ना ताजी भाप, चावल बन के आए और अभी तुरंत खा लें, क्योंकि पहाड़ों का दोपहर का भोजन भात चावल होता है, भात और दाल भात खाते हैं ना, तो मैं ताजा भाप दे रहा हूँ आपको।
के प्रलयंकर अभयंकर शंकर हे बाबा बर्फानी। मैंने देखा जब अमरनाथ में एक सैनिक ने दिखाया कि यहां पर बादल फट गया, तब मुझे बात आई ध्यान के प्रलयंकर अभयंकर शंकर हे बाबा बर्फानी, तेरे ही चरणों में नत है हम सब हिंदुस्तानी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये शंकर भगवान की भूमि है। लेकिन चूंकि आपका ये महाधिवेशन है, मैं चार पंक्तियां वहां से पढ़ना चाहूंगा। क्या आवश्यकता थी ये महाधिवेशन करने की कि आपने युवा शक्ति के रूप में मुझे युवाओं की बात करने के लिए यहां पर बुलाया है, तो मैं युवाओं की बात करता हूं क्योंकि मैं पूरे उत्तराखंड में युवा कवियों को आगे बढ़ाने का काम करता हूं। जो क्योंकि उत्तराखंड के अंदर प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। उत्तराखंड एकमात्र वो प्रदेश है जो दूसरे प्रदेशों को अपने मुख्यमंत्री भी निर्यात करता है। उत्तर प्रदेश के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो उत्तराखंड से ही हैं। गर्व करना चाहिए, ये छोटी सी पवित्र भूमि है, देवभूमि है। इसलिए तीनों सेनाओं के जो प्रमुख सीडीएस हैं विपिन रावत जी, वो भी उत्तराखंड से जाते हैं। इसलिए उत्तराखंडी होने पर हमें गर्व होना चाहिए। मैं चार पंक्तियां देना चाहता हूं कि पड़ी जो बंद सदियों से वो खिड़की कौन खोलेगा। ये आज जो एबीपी गंगा ने कार्यक्रम शुरू किया है, ये सारे मीडिया जगत के लिए प्रवेश द्वार बनेगा, मुझे पता है। इसलिए मैं एबीपी गंगा की तरफ से कहना चाहता हूं कि पड़ी जो बंद सदियों से वो खिड़की कौन खोलेगा। पड़ी जो बंद सदियों से वो खिड़की कौन खोलेगा। घने भ्रम के अंधेरों में बताओ कौन डोलेगा। मेरी माँ भारती के संकटों पर आज भी बोलो, अगर मैं भी नहीं बोला तो बोलो कौन बोलेगा। अगर मैं भी नहीं बोला तो बोलो कौन बोलेगा। ये मीडिया की ताकत होती है साहब, जो सरकारों को सही काम करने के लिए मजबूर कर दे। बिल्कुल, नहीं तो सरकार हमेशा निरंकुश होती है। मीडिया सरकार का आपने जिक्र किया तो उसी से जुड़ा हुआ अगली पेशकश जो है हमारे दर्शकों की तरफ से आई है, और वो ये कि देवभूमि की बात हो गई, चार धामों, गंगा, शिव, सब की बात हो गई। अब चुनाव भी होने जा रहे हैं उत्तराखंड में। सियासत दान जो है वो अपने अपने तीर चलाने शुरू कर चुके हैं, उस पर भी कुछ लिखा है क्या आपने? हाँ बिल्कुल, लेकिन मैं दूसरी बात कहता हूँ। क्या चुनाव केवल सरकारें लड़ती हैं? क्या चुनाव लड़ना केवल भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, यूकेडी, आम आदमी पार्टी, वामपंथी, ये विचारधाराओं का चुनाव नहीं होता, सरकारों का चुनाव नहीं होता। वास्तव में चुनाव हम 135 करोड़ हिंदुस्तानियों का धर्म है, एक पवित्र धर्म है मतदान करना। मैंने तब कहा कि नागनाथ खुद बना हो माथ जिस मात का, देवों ने भी शीश धरा हाथ जिस मात का, रामकृष्ण गौतम महावीर जिसके लाल हैं, ऋषि दयानंद सिन्हा मिलती मिसाल है, गंगा जमुना सिंधु जिसकी आरती उतारती, दागदार ऐसी कैसे हो गई है भारती। और कैसी है भारती, मैंने क्या लिखा, कट्टू शॉर्ट करता हूं, लंबी कविताएं पढ़ता हूं मैं मंचों पर, कि पूरे 5 साल हम नेताओं को कोसते। मैं उत्तराखंड की जनता को आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि 2022 में मैं किस प्रकार के नेताओं का चयन करना है। मैं किसी पार्टी का मुखपत्र नहीं हूं, क्योंकि साहित्य हमेशा पत्रकारों की तरह स्थायी विपक्ष होता है किसी भी सरकार का। तब कहना चाहता हूं कि पूरे पांच साल हम नेताओं को कोसते, पर वोट देते समय कुछ नहीं सोचते। जिसने पिलाई सुरा उसे ही दी वोट है, जिसने पिलाई दारू उसे ही दी वोट है, भारती के दामन को हमने ही दी चोट है, भारती के दामन की हर एक चोट का हमें भी हिसाब देना होगा, हर वोट का। संसद की गरिमा को हमने ही डिगाया है, अपराधी वोट देकर हमने ही जिताया है, अपराधी वोट देकर हमने ही जिताया है। बहुत शानदार, वोटर जरूर ध्यान रखे श्रीकांत जी की बात। प्रश्न का उत्तर देता हूँ चार पंक्तियों में। अब जो आपने प्रश्न किया, क्या करना है युवाओं को, कि आओ हम सारे लोग मन ही मन ठान ले, आज हम सारे वो लोग मन ही मन ठान ले, अपने वोट देने की ताकत पहचान ले, होगा ना कलंक कोई भारती के भाल पर, वोट से तमाचा देना भ्रष्टों के गाल पर, वोट से तमाचा देना भ्रष्टों के गाल पर, और वोट जरूर देना। ये भी इस मन से यही अपील इसके पीछे, इन पंक्तियों के पीछे छिपी हुई श्रीकांत जी की तरफ से। और अब हम इस सेशन के अंतिम पड़ाव में आ चुके हैं, और जाते जाते मेरा सवाल अनुकृति जी से यही कि आपने इतने सामाजिक इनिशिएटिव लिए, आप पूरी तरह से सोशल लाइफ में हैं, इतना समाज सेवी से जुड़े कार्य कर रही हैं, आपको जो जनता सुन भी रही है, आपके पीछे छिपा हुआ राजनीतिज्ञ भी नजर आ रहा है, कभी फ्यूचर में एक्टिव पॉलिटिक्स में आएंगी, ऐसा कोई इरादा, कोई इच्छा आपकी? देखिए, समाज सेवा और राजनीति, मैं सोचती हूँ कि अगर आप समाज सेवा, अगर आपका भाव अच्छा है, अगर आप अपने समाज को कुछ देना चाहते हैं, अपने प्रदेश के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो वो तो आप किसी भी रूप में समाज सेवा कर सकते हैं। अब अगर वो चीज़ हम उसको पॉलिटिक्स से जोड़ने लगें तो वो समाज सेवा नहीं रह जाती, फिर वो सेल्फिश सेवा जिसको मैं कहूँगी, वो बहुत अलग तरीके से बदल जाती है। पर मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि हाँ, ये बात ज़रूर सही है कि उत्तराखंड को, आज तो उत्तराखंड एक युवा प्रदेश है,
उत्तराखंड युवा प्रदेश है, युवा आज हमारे मुख्यमंत्री हैं, तो वो एक बहुत शानदार बात है कि युवा ऊर्जा आज उत्तराखंड को मिल रही है। और मुझे उम्मीद है कि इसी तरीके से युवा जब उत्तराखंड में आगे आएंगे और उत्तराखंड हमारा और आगे जाएगा, तो यही मेरी इच्छा है। और उत्तराखंड को मैं, ये बात सच है, उत्तराखंड को मैं अपने राष्ट्र में नंबर वन पे देखना चाहती हूँ हर एक क्षेत्र में। तो चलिए, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे महाधिवेशन के इस मंच पर आने के लिए और अपने विचार, अपनी अपनी बातों और अपने अपने अंदाज में हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।